दोस्तों महाभारत को भारत का ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। महाभारत युद्ध हुए यूं तो कई वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी लोगों में इसके प्रति जिज्ञासा है। इसके बारे में कई रोचक तथ्य हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत में वैसे तो कई श्राप और वरदान मिले थे, लेकिन महाभारत के तीन ऐसे श्राप है जिन्हें आज भी भुगता जा रहा है। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से ऐसे श्राप है, इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो एक लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। नंबर एक, श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तुम हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे, तुम्हारे शरीर से लहू और पीप की गंध निकलेगी, तुम कभी भी मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे और दुर्गम जंगलों के बीच भटकते रहोगे, और इस कारण अश्वत्थामा आज भी जीवित है। नंबर दो, माता कुंती ने पांडवों से यह बात छुपाई थी कि कर्ण उनका भाई था। युद्ध समाप्ति के दौरान युधिष्ठिर को कर्ण की मृत्यु के बाद माता कुंती द्वारा पता चला कि कर्ण उनका भाई था। यह सुनकर पांडवों को बहुत दुख हुआ, जिसके बाद पूरे विधि विधान के तहत कर्ण का अंतिम संस्कार किया गया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने भाई कर्ण की मृत्यु का दुख जताते हुए पूरी नारी जाति को श्राप दिया कि कोई भी स्त्री किसी भी तरह का गोपनीय रहस्य आने वाले भविष्य में कभी नहीं छुपा पाएगी। नंबर तीन, ऋषि श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाक के काटने से होगी। फिर ठीक 7 दिन बाद उनकी मृत्यु तक्षक नाक के काटने से हो गई और कलयुग की शुरुआत हो गई, क्योंकि जब तक राजा परीक्षित जीवित थे तब तक कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वो इंसानों पर हावी हो सके, लेकिन उनके मृत्यु के बाद कलयुग मनुष्यों पर हावी हो गया और इसी कलयुग का अंत करने के लिए भगवान विष्णु कल के अवतार लेंगे। तो दोस्तों आप भी भगवान विष्णु के भक्त है तो कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखे और वीडियो को जरूर लाइक करे, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।